और यहाँ मेरे ख्याल से ओला मुझसे ना थोड़ी सी नाराज है। नाराज है तू? हैं? मुंह उधर क्यों फेर रही है? कहाँ घुसी जा रही है अंदर? क्या चाहिए तुझे? यहाँ राहुल और मैं अभी अभी एक्सरसाइज करके आए हैं और ऊपर ओला को हम बालकनी में छोड़ के गए थे और इसको देखो ये ऐसे लटकी हुई है यहाँ। बंद कर इसको, जब देखो जंक खाता रहता है। अभी नहीं खाना, चल बंद कर। ओ इसको खाना देने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, क्या बात है, तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है? बताओ है, मार पड़ेगी, बदतमीजी करी तो। किचन में क्या देख रही है? ना मारो, कंजिका है। मार नहीं रहा, मैं उसको प्यार कर रहा हूँ। मेरी देवी है छोटी सी। अरे मार रहा हूँ मैं? वो तो चलो, गबरू जवान है, मस्कुल है वो तो बेचारी। कहाँ घुसी जा रही है अंदर? क्या चाहिए तुझे? इसने दोपहर को क्या खाया था? बढ़िया क्यों, बढ़िया क्यों होती है? टेस्ट आया, पेडिग्री, डकार मारी है इसने। ओली किचन से बाहर आ जा। ओली आउट, ओली कम आउट। बब्बी कितना समझदार है ना, देखो नहीं जा रहा, वो नहीं जाता ये बब्बे। ओ मेरी बब्बो, वैसे ना बब्बी मास्टरपीस रॉटवाइलर है। बब्बी इसका नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, गलती मत करना। क्या किया नोमी दीदी तुमने? वो इसको खाना देने की कोशिश कर रही है। नोमी दीदी क्या बात है, तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है? तुम्हें लंबी उम्र नहीं चाहिए है तो तुम इसके साथ मॉन्स्टर के साथ पंगे ले रहे हो। देखना कैसे देख, जाओ जाओ अब है बब्बे। ओली ओली निकल उधर। ये इसलिए तो नहीं कि जे नोमी के पास खड़ा है। ओली क्या खाने आई? ओली को अंडे की खुशबू आ रही है ना। ओला कम कम से, तू तो ना हमेशा चिप्स और उसके लिए रोता रही हो। क्या है इसमें खोल? ओ हे भगवान, ये देख बंद कर इसको, जब देखो जंक खाता रहता है। अभी नहीं खाना, चल बंद कर। ओली के तो मजे आ गए अंडे सुनते ही ना। ओह कितने गंदे हो तुम, ऐसे चिढ़ा रहे हो उनको। राहुल वेरी बैड। खराब हो तुम हैं, कोई करता है ऐसे बच्चों के साथ? बन्नी इनको ना उस चीज का ना पता है कि अगर इनको छोड़ दूंगा ना 2 मिनट के अंदर ये सारा खा जाएंगे, पर एक ही चीज में जैसे बातें करके कर रहा हूँ ना, तो इससे इनके अंदर पेशेंस आ रही है और वो डेवलप करनी पड़ती है विद टाइम। आगे जाके ना ये कभी भी ना किसी का खाना देख के अटैक नहीं करेंगे और हमेशा पेशेंस से बैठेंगे जब तक मुझे फीड नहीं होगा। चाहे दोनों मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं पर मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने इनको इग्नोर कर दिया। इस टाइम तू मेरे लिए प्राइमरी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वो बात की। बब्जी तो ना देखता भी नहीं, अगर तुमने जैसे ओली को दिया है ना तो ये तुम्हें देख रहा है, इसने ओली की तरफ नजर करके नहीं देखी कि उसको क्यों दे रहा है। ये तो कोई और खा रहा हो तो उसको भी देखती है। जोई सुबह सुबह ही तू है? ये तो बहुत मस्ती के मूड में आज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नमितोलॉजी। टाइम हो रहा है 7 और इसको जा रहे हैं हम स्कूल छोड़ने। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोग कैसे मैनेज करते हो 2 बच्चे 3 डॉग्स अपना जॉब अपना ऑफिस, तो आज हम आपको वो सब भी बताएंगे कि कैसे मैनेज करते हैं और उसके बाद इन फर बेबीज के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने बेबीज के साथ भी। अभी स्कूल छोड़ने इसको लेके जाएगी? हाँ जोई को लेके जाऊंगी, घूमे घूमे चलेंगे। ठीक है, मैं रात को ना उल्टी सो रही थी, तुम और शिवा इस तरफ सो रहे थे ना, तो तुम लोगों ने बेड इतना मलका हुआ था, बीच में मुझे नींद नहीं आई तो मैं सर इधर करके सो गई, बाल मेरे पीछे। इसने ना रात को पता नहीं कितने बजे 2 बजे 1:30 बजे मेरे बाल ना पीछे से खींच लिए मुझे भी लेके जाओ, तो हम इसको भी ले आए, घर छोड़ के नहीं आए क्योंकि घर पे ही अकेली पड़ रही, तो इसको उठा के ले आए साथ। नोमी दीदी की ना एक शिकायत आई है कि रात को इसने बहुत तंग किया, तो इसने मेरे भी रात को ना बाल खींच लिए। सोचती कि मैंने आपको बताया था, नोमी दीदी आपके साथ क्या किया इसने? चाटने लगा, पैर में काटने लगा। तो नोमी दीदी ने उसके बाद ना अपने रूम के दरवाजे बंद कर दिया और इसको कर दिया बाहर। एक दूसरे कदम
थैंक यू। मैं बाहर हो, शिवाय आने से मना कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से ना इसको निकाला है। बॉल छोड़ दे, बॉल नहीं लेके जानी स्कूल। ओहो कैसे बैठी हो लाडो रानी, हैं? तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है क्यों? हाँ, ये अभी पता है यहाँ पे ना हाथ डाल देती है, ये देखो ये ना थोड़ी देर में मुंह ना ऐसे डाल देगी। और राहत को भी मैंने देखा ज्यादा तुम्हारी तरफ ही क्लिंग करती है, पर तुम्हें ना नींद में तंग नहीं करती, तंग हमें करती है। हाँ, पापा की नींद अच्छे से पूरी हो तभी तो दिन भर प्यार मिलेगा। यहाँ राहुल और मैं अभी अभी एक्सरसाइज करके आए हैं और ऊपर ओला को हम बालकनी में छोड़ के गए थे और इसको देखो ये ऐसे लटकी हुई है यहाँ पे। क्या चाहिए? क्या चाहिए ओला? कुछ खाना स्पेशल? बोलो। नाराज हुई, ये नाराज है ना कि हम लोग जोइल को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। ओला ये देखो बब्बा, ओला ओलो बोलो। हाँ जी, अरे एसिडिटी और उसकी गोलियां दे देती हूँ, ठीक है वो ले लो। आज मेरी भी बहुत एसिडिटी हो रही है, मेरे ना लंग्स के पास बहुत ज्यादा गैस है। ये सोफे पे भी बैठेगी? ये तो इसका घर है। ये देखना, ये देखना, ज्यादा ही लाड नवाबगिरी नहीं हो रही राहुल? तुम शिवाय और जय को तो इतना डांटते हो कि सोफे तुम तोड़ रहे हो, हैं? तुम सोफे के स्प्रिंग खराब कर रहे हो, और ये क्या कर रही है? ये कुछ नहीं कर रही है, कूद तो नहीं रही ना। जो भी है जर्मन शेफर्ड है तू, कोई वो नहीं है स्पिट्स या पोमेरियन। क्या पता एग्रेशन क्या होता है, कोई कह सकता है कि तू हमारी बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, कैसे लाड कर रही है? इतना प्यार तो ना शिबू जेजू भी नहीं करते, वो भी अपने मतलब से बिस्कुट नमकीन की वजह से हमारे पास आते हैं। आप लोग पूछ रहे थे हम लोग क्या करते हैं, तो ये मेरा वर्क फ्रॉम होम वाला ऑफिस है और लैपटॉप खोल लिया, अब मैं थोड़ा अपना ऑफिस का काम करूंगी। ये वाला जो डेस्क है मेरा, हाँ राहुल थोड़ी देर में ऑफिस जाएंगे, ये वाला जो डेस्क है मतलब इस रूम में, ये डेस्क ऑफिस का लैपटॉप है और ये डेस्क मेरा यूट्यूब का लैपटॉप है, तो प्रिंटर यहाँ पे है। मैडम आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आपका रॉयल कैनिन भिगो के रखा तो हुआ है, क्यों नहीं खा रही तू? बहुत ज्यादा लाड नवाब भी हो रही है। मेरे पास तो आई हो भी मत, है रात को मेरे बाल खाए हैं तूने। गाइस ये जोई ने अपना ना नया ठिकाना ढूंढ लिया, जो हमारा कपड़ा सुखाने का रैक है ना उसके नीचे जाके ना किचन का एक मैट है, मैंने सुखाने डाला था उसको ना अपना पता नहीं क्या कह लो चादर समझ के या मैट समझ के, और राहुल का जूता उठा लिया और अब इसको ये काटेगी। और राहुल को मैं 100 बार समझा चुकी हूँ अपने जूते जब भी आते हो ना यहाँ से हटा के ना रैक में डाला करो हाइट पे ताकि ये उठा ना सके, लेकिन वो बंदा नहीं मानता। तो ही यहाँ से चल, ये यहाँ पे ना इसने मेरे पापा का अंडर पकड़ के बैठी हुई है, उसको भी चबा रही है। और कल पापा जी की एक बनियान वो भी खराब कर दी और आज उनका अंडरवेयर लक्स कोजी का लेके बैठी हुई है। और जोई यहाँ पूरे घर में घूम रही है, और जब रिंकू जी ना, रिंकू जी हमारे यहाँ सफाई करती हैं और जब ये कर रही होती है काम, तो ये पीछे 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 पूरा घूमती है और चेक करती है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। यहाँ राहुल पूजा की थाली धो के लाए हैं और करने वाले हैं मॉर्निंग की पूजा। राहुल की चेली बन चुकी है, जैसे होती है लड़कियां पापा की बेटी। गाइस जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट आएगी पूजा मत किया करो लाइटर से, तो हमने मैचस्टिक खरीद लिया, तो अब हम मैचस्टिक से ही जला रहे हैं थाली और करने वाले हैं पूजा। मैं मंदिर की यहाँ पे लाइट जला देती हूँ, और यहाँ पे हमने माता रानी हनुमान जी शिव जी गुरु जी सबको अपने मंदिर में रखा। अगर आपको हमारा मंदिर पसंद आ रहा है जरूर बताना, बड़ी मेहनत से शिद्दत से बनाया था। लेडी ऑली कह रहा हूँ, देखो तुम से भी जोई कम बेटा, चल अब ये सुनने लग गई है अपना कमांड। हाँ तुम्हारी बात तो पूरी सुन रही है, अंदर बाद में चेकिंग कर लियो ना कि काम कैसा हुआ है, तूने तो सारा गंदा करना ही है वैसे भी। मेरे को बैठ गई है पूजा से, ये देख लेना पूजा से बैठ गई है। नाउ शी हैज स्टार्टेड फॉलोइंग मी, और क्या बोलते हैं किचन में नहीं जा रही है, बाथरूम्स में नहीं जा रही है, और इस पे ये पता चल गया कि इसका नाम जोई है। बेटा हाँ जोई ना, शिवाय की वन लेग वाली साइकिल स्कूटी जो भी कहते हो आप लोग, वो खा रही है आराम से। और ये पहले लेडी वाली ने सारे कांड किए थे पिछले साल, इस साल इसका काम है। और यहाँ मन्नी बना रही है मेरी कॉफी, कॉफी ज्यादा मत करियो ठीक है। ये फुल क्रीम की पूरी क्रीम निकाल के निचोड़ के ना लगता हूँ दूध का स्वाद ना फुल क्रीम में। और जोई को मैंने रॉयल कैनिन बना दिया, अब बस थोड़ी फुर्क जाए तो उसके लिए वहीं रख देंगे जहाँ वो खाती है। राहुल अभी अभी मंदिर गए लोटा लेके, और ये गेट के पास आके बैठ गई थी देखने के लिए कि पापा कहाँ चले गए। और जोई खबरदार तूने मेरे मैट खराब किए, तो ये देखना गाइस मैट का क्या हाल कर दिया इसने, ये देखो खा खा के इसको।
मत कर। नुकीले दांत वाली, ये देखो एक खान ये वाला खड़ा होना स्टार्ट हो गया, ये वाला अभी बैठा ही हुआ है, ये देखो थोड़ा थोड़ा खड़ा हो रहा है ना गाइस, और ये वाला अभी तक बैठा हुआ। लड़की को डीवॉर्मिंग की टैबलेट्स दी और फिर ये ना इसने मेरी चेयर से, यहाँ से चेयर का जो प्लास्टिक होता है वो निकाल के खाने की कोशिश की, और मैं इसकी इतनी पिटाई करने वाली हूँ, इतनी पिटाई करने वाली हूँ। बेटा इन सब चीजों से ना पेट में ना कीड़े पैदा होते हैं, समझ आई? लेडी वाली खाती थी लक्कड़ और ये खा रही है प्लास्टिक। बताओ मैं तुमको, बताओ है, मार पड़ेगी, बदतमीजी करी तो ठीक है ना, मत खाइयो गंद। तो गाइस नौमी दीदी क्योंकि घर पे नहीं है, तो हम आज खुद ही राहुल और मैं मिलके बब्जी और लेडी वाली का खाना बना रहे हैं, और यहाँ पे पेडिग्री है और यहाँ पे रोटी के ऑलरेडी पीसेस करके नौमी दीदी गई थी। तो नौमी दीदी बहुत अच्छी है, बहुत काम संभाल लेती है, तो जब वो नहीं होती ना तो हमारी थोड़ी सी वाट लगती है, तो वो नहीं होती है घर पे सुबह के टाइम पे, बस काम करके चली जाती है। इसमें राहुल ने ना दही मिक्स कर दी है, पेडिग्री यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे केटल में हो रहा है पानी थोड़ा सा कोसा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, इतना कि ये सोख ले, और ये मिक्स करके राहुल बब्जी और लेडी वाली को खाना खिला देंगे। मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, जितनी शिद्दत से तुम लेडी वाली, बब्जी, जर्मन शेफर्ड, जितने भी पेट्स हैं हमारे, सबका खाना बनाते हो, उतनी शिद्दत से कभी तुम मेरे लिए तो कुछ नहीं बनाते। मेरे को तो तुम सिर्फ ऑर्डर देते हो, मन्नी कॉफी बना दे, मन्नी फोन पकड़ा दे, मन्नी खाना दे दे, मन्नी ये, मन्नी वो, बताओ जवाब दो, जनता जवाब मांग रही है। जनता कोई जवाब नहीं मांग रही है। तो ये देख, इतना पोर्शन एक 70 डेज के बच्चे के लिए बहुत है। काइली के लिए सिर्फ काइली बच गई है, कान्ने जा चुका है, कोबी जा चुका है, और काइली भी जा रही है। राहुल एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम हर डॉग को तुम्हारी कोशिश रहती है बेस्ट से बेस्ट दो, ताकि आने वाली लाइफ ना उसकी अच्छी हो। अगर आप शुरू से अपने पेट्स को ना रॉयल कैनिन, अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है ना, तो तुम बिल्डिंग जितनी मर्जी बना लो, बिल्डिंग गिरेगी गिरेगी। अब मैं बोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इनकी इम्यूनिटी बूस्टर भी लेके आ रहा हूँ, वो मैं उसको दूंगा छोटन की जो जोली। और वो हमने अपने सारे जो जर्मन शेफर्ड्स हम वर्किंग लाइन के लाए थे ना, जो अब हमने दे दिए हैं, तो वो भी हमने उनको पूरा एक प्रॉपर डाइट फॉलो करवाई और उनको भी अच्छे से रॉयल कैनिन खिलाया। हमने ये नहीं सोचा राहुल ने, मतलब मैं राहुल को ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगी इस चीज का, मैं तो थोड़ी कंजूस हूँ बट राहुल नहीं है, तो वो तो अपना पूरा प्रॉपर डाइट, चाहे राहुल ने उनको रिटेन करना था चाहे नहीं करना, तब भी राहुल ने उनको रॉयल कैनिन ही खिलाया है, चाहे वो हमारी पॉकेट पे भागी था, बट उनकी आगे जो कहते हैं ना राहुल ने, जैसे प्रॉफिट लॉस नहीं होता क्योंकि हम ना ब्रीडिंग बिजनेस में नहीं है, ठीक है। और इवेंचुअली क्या है, तुम जो खाते हो तुम अपने लिए अपने बच्चों को हमेशा अच्छा ही देते हो। हम स्ट्रीट डॉग्स को भी फीड करते हैं पर वो हम दिखाते नहीं है क्योंकि वो कोई दिखाने की चीज नहीं है, वो एक आपकी ना डेली बेसिस का वो है कि आपको कोई चीज करनी है तो करनी है, वो आपके संस्कार है। और पता आज मुझे ना एक बहुत अच्छी बात आपको याद आई, मैं बताता हूँ आपको, दुनिया में ना ह्यूमैनिटी ना बहुत अलग लेवल पे पहुंच गई है। देयर वाज अ गाय इन द कॉलोनी जो मुझे ना गालियां देता था कि तूने इतने सारे कुत्ते पाले हुए हैं, तुम बेवकूफ हो, ये वो फ्लैंटमा, एंड ही वाज नॉट अ डॉग लवर, ही वाज नॉट एनी एनिमल लवर। और थोड़े दिन मैंने पहले देखा कि ना वो स्ट्रीट डॉग को फीड कर रहा था, और उसको ना एक आंटी पूछ रही है, एजेड है, पीछे रहती है, कि तू इनको फीड कैसे कर रहा, तू तो इनको भगाता रहता है। तो मुझे पंडित ने बोला हाँ, कुत्तों को खिलाओगे ना तो आपको पुण्य मिलेगा। तो ये तो हमारी इंडियन मेंटेलिटी में बहुत ज्यादा है, कुत्ते और गाय की रोटी सब निकाल लेते हैं, लेकिन जरा सा कुत्ता और गाय घर के आसपास आ जाए तो लोगों का ना मुंह बन जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जो करो दिल से करो, तुम्हारे पास जितना है ना, और इनका ना स्पेशली डॉग्स का ना लिखा हुआ होता है, आपके चाहे पॉकेट में पैसे हो, मेरी स्पेशली मेरी पॉकेट में कभी पैसे नहीं होते, पर जैसे ही आते हैं ठीक है, या तो मैं इनका फूड ले आता हूँ या फिर कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, ठीक है। मैं ये बोलना नहीं चाहता था कैमरे पे, बट इवेंचुअली ठीक है, पर ठीक है, भगवान ने लेना है और हम अपनी तरफ से दिल से कर रहे हैं, हमें कोई इसका फल भी नहीं चाहिए। भाई जहाँ पे ना तुम ग्रेट हो तो उसको कबूल करो, और कभी अपनी बीवी को भी ना खुश रखना सीख लो। अब मैं बैठ के प्याज काटूंगी, टमाटर पीसूंगी, तुम्हारे लिए दाल और चावल बनाऊंगी, किसी ना भी कुछ खिला दो बढ़िया यार। पक्का तेरे को इस अगले संडे सैंडविचेस बनाऊंगा। और जहाँ मेरे ख्याल से ओला मुझसे ना थोड़ी सी नाराज है। नाराज है तू, है मुंह उधर क्यों फेर रही है? बब्जी क्या हुआ है, क्या हुआ है? चलो आओ कम, और यहाँ इनका खाना रेडी है। यहाँ लेडी वाली अपना लग गई है अपने खाने के अंदर, और इसके बाद ये जाएंगे अंदर ऑफिस के, एसी चलाएंगे हम, थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है दिल्ली के अंदर। और ये रहा बब्जी का खाना, थोड़ी सी हाइट दे के रखते हैं हम। गो बब्बे खाओ, चलो। बब्जी बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया आज, इतनी थकाई है ना हमने उनकी एक्सरसाइज करते हुए, अभी धीरे धीरे जाएगा। चलो खाना खाओ, चलो
इसकी ना उम्मीद है कि मैं इसके पास जाके बाउल रख दूँ, पर मैं क्या करूँ, रखूँगा नहीं मैं। और यहाँ ओली अपना जल्दी से जल्दी ख़त्म कर रही है ताकि मैं पबजी के पास जाऊँ, थोड़ा सा और खा लूँ। जी उठ गए माशे, देख लो लात दर्द हो रही है आज। किसने कहा था इतना भागने के लिए। और ये है काइली का फूड, ठीक है, थोड़ा सा गिर गया, इसको ठीक करके इसको देते हैं। और यहाँ काइली लग गई है अपने खाने पे। तो गाइस इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। ये थी मस्तियाँ बब्जी के साथ, लेडी ओली के साथ, जोई के साथ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।